प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबके बीच एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में स्वर के प्रकार तक पढ़ाया जा चुका है। आज हम सब व्यंजन के व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी। व्यंजन जिसे इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं और इसकी परिभाषा को इंग्लिश में डिफिनीशन कहते हैं, तो देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपने ब्लैक बोर्ड पर हमारे साथ अंगुलियों के माध्यम से देखा और पढ़ा कि जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से तीन होते हैं और छोटी क्लासों में बताने के लिए बेटा तीन ही प्रकार के मुख्य रूप से बताए जाते हैं, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पांच प्रकार से। तो देखिए ये कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। वन और टू में बस इतना ही बताया जाता है। और आगे फोर नंबर पर है संयुक्त व्यंजन, और फाइव नंबर पर है अतिरिक्त व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन, और इस स्पर्श व्यंजन को किन किन वर्णों को कहा जाता है, देखते हैं और समझते हैं कैसे म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जैसे य, र, ल, व। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जैसे स, ख, ष, ह। चौथा है संयुक्त व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। पांचवा है अतिरिक्त व्यंजन, अड़ा और अढ़। ये कहीं आपको पंक्ति में लिखे नहीं मिलेंगे, ये जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ है पेड़। तो प्यारे बच्चों, अब आज यहीं तक। अगली वीडियो में इसके आगे आप सबको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।